देश और राज्य में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होते तो आपने सुना होगा, पर क्या आपने संसार की सत्ता का परिवर्तन होते सुना है? अगर नहीं तो चलिए अब हम आपको बताते हैं। दरअसल उज्जैन में सत्ता परिवर्तन के लिए पालकी निकाली गई। इस पालकी में महाकाल सवार होकर निकले और भगवान विष्णु को संपूर्ण संसार का भार सौंपा। दरअसल उज्जैन में सालों से एक परंपरा चली आ रही है जिसमें बैकुंठ चतुर्दशी के दिन महाकाल भगवान विष्णु को सत्ता सौंपते हैं, जिसके लिए पालकी निकाली जाती है। और इस रजत पालकी में सवार होकर महाकाल गोपाल मंदिर पहुंचते हैं, जहां वे भगवान विष्णु को सत्ता सौंप देते हैं। रजत पालकी के दौरान बाबा की झलक पाने के लिए उनके भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। दरअसल पूरे देश में 4 महीने के लिए भगवान विष्णु शयन के लिए चले जाते हैं, जिसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है। सावन आने से पहले भगवान विष्णु निद्रा में जाते हैं, तब से बाबा महाकाल संसार का भार संभालते हैं। फिर देव उठानी एकादशी के बाद बाबा महाकाल की ये जिम्मेदारी वापस भगवान विष्णु को सौंपने देते हैं। एक बार फिर उज्जैन में ये परंपरा निभाई गई। जब पालकी महाकाल मंदिर से बाहर आई तो पुलिस के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। केरल के कोची में CUSAT यूनिवर्सिटी के एक म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान भीषण हादसा हो गया। म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान यहां भगदड़ मच गई, जिसमें 4 छात्रों की मौत हो गई। कॉलेज के ऑडिटोरियम में म्यूजिक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। इस दौरान भारी बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए ऑडिटोरियम के बाहर मौजूद लोग ऑडिटोरियम की तरफ भागे, जिससे यहां अफरा तफरी और भगदड़ का माहौल हो गया और इस भगदड़ में 4 छात्रों की जान चली गई। आज हम आपको दिखाने वाले एक ऐसी प्रतिकृति जो मध्य प्रदेश के इंदौर में लोहे के स्क्रैप से राम मंदिर की बनाई गई है। बता दें कि प्रतिकृति अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के तर्ज पर बनाई गई। बता दें कि वैसे तो अयोध्या में बन रहे राम मंदिर अभी निर्माणाधीन ही है, लेकिन इनकी प्रतिकृति इंदौर के विश्राम बाग में तैयार हो गई है, जो कि 21 टन लोहे के स्क्रैप से तैयार की गई। इस प्रतिकृति की ऊंचाई 27 फीट, चौड़ाई 26 फीट, लंबाई 40 फीट है। 20 मजदूरों ने करीब 2.5 माह की मेहनत से इसे तैयार किया है। इसे तैयार करने में नगर निगम ने लोहे के पुराने खंभे, कबाड़, गाड़ियों के चेसिस, नट बोल्ट, टूटे फूटे झूले, फिसल पट्टी, ग्रिल आदि का इस्तेमाल किया। संभवतः देश में पहली बार लोहे के स्क्रैप से किसी मंदिर की इतनी वृहद प्रतिकृति तैयार की गई। बता दें कि इसके अलावा लोहे के स्क्रैप से इतनी बड़ी प्रतिकृति तैयार करना बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन कलाकारों की मेहनत ने संभव किया। इसमें वेल्डिंग वाले कारीगरों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि छोटे बड़े और टूटे फूटे लोहे के सामान को मंदिर का स्वरूप देना आसान नहीं है। तुम यहाँ के बच बच क्या करते हो, गाली क्यों देते हो? कई गाली ध्यान है, किसी व्यक्ति को गाली देना अपराध है कि नहीं? कहू के नहीं दिया गाली, भला कही दे कहू हदा सबसे बड़े से आने दिया ना कहू गाली। बेमतलब की बात मत करो, कहू गाली दिया ना है, ज्यादा होशियारी ना करा करा काका। हाय MP में वोटिंग 3 दिसंबर को है, लेकिन तनाव अभी से है। वो इतना कि तनाव दो प्रत्याशियों के समर्थकों को आपस में भिड़ा रहा है। दो दो हाथ करने में समर्थक जुटे हुए हैं। कुछ ऐसा ही नजारा सतना के अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र में दिखा, जहां दो प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए, एक दूसरे पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ, जो रामनगर के मडवार गांव का बताया जा रहा है। हालांकि News18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। कोरबा में देव दीपावली को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। हसदेव तट पर 30,000 दीपक जलाए जाएंगे। देव दीपावली के मौके पर पूरा हसदेव तट जगमगा उठेगा। 27 नवंबर की शाम 5 बजे होने वाले इस आयोजन में बनारस के देव दीपावली की गंगा आरती की तर्ज पर हसदेव की आरती की जाएगी। हिंदू क्रांति सेना की ओर से सर्वमंगला मंदिर घाट पर देव दीपावली के उपलक्ष में महाआरती का आयोजन होगा। आयोजन की तैयारियों में समिति के कार्यकर्ता पिछले 1 महीने से लगे हुए हैं। बता दें कि हिंदू क्रांति सेना के सदस्य ने बताया कि पिछले साल भी समिति ने सर्वमंगला मंदिर घाट पर हसदेव महाआरती का भव्य आयोजन किया था, और इस साल की महाआरती उससे भी खास होगी।
मुंगेली में एक बार फिर हाथियों का झुंड देखने से ग्रामीण दहशत में हैं। अचानक वहां टाइगर रिजर्व में हाथियों के झुंड का वीडियो सामने आया है। वीडियो में हाथियों का दल गांव की तरफ आता दिख रहा है। इससे लोगों को फसल के नुकसान होने का डर सता रहा है और गांव में हाथियों के उत्पात का भय भी सता रहा है। दरअसल बिंदावल में 6 से ज्यादा घरों को हाथियों ने तोड़ तोड़ कर तहस नहस किया। हाथियों के डर से गांव वाले रत जगा कर रहे हैं। एक वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हाथी किस प्रकार से ट्रैक्टर को धक्का मारते हुए मुंगेली के इलाके में अक्सर हाथियों के दल का उत्पात देखने को मिल रहा है।